दिन का काम प्रार्थना से शुरू कीजिए और उसमें इतनी आत्मा उरेर दें कि वह शाम तक आपके साथ बनी रहे दिन का अंत भी प्रार्थना के साथ कीजिए ताकि आपकी रात शांतिपूर्ण तथा स्वप्नों और दो से मुक्त रहे प्रार्थना के स्वरूप की चिंता न कीजिए स्वरूप कुछ भी हो वह ऐसा होना चाहिए जिससे भगवान के साथ हमारे मन की लौ लग जाए बस इतना ध्यान रखें कि स्वरूप कैसा भी हो मगर आपके मुंह से प्रार्थना के शब्द निकलते समय आपका मन इधर उधर न भटकने पाए प्रार्थना मेरी जीवन की रक्षिका रही है इसके बिना तो मैं बहुत पहले ही पागल हो गया होता मैंने अनुभव किया है कि जिस तरह शरीर के लिए भोजन अनिवार्य है उसी तरह आत्मा के लिए प्रार्थना अनिवार्य है सच तो यह है कि भोजन शरीर के लिए इतना आवश्यक नहीं है जितनी प्रार्थना आत्मा के लिए संसार के सबसे महान शिक्षकों में से तीन महान शिक्षक बुद्ध ईसा मोहम्मद अपना यह अकाट्य अनुभव छोड़ गए हैं कि उन्हें प्रार्थना के द्वारा प्रकाश मिला और उसके बिना जीवित रह सकना संभव नहीं है यदि प्रार्थना में शांति पाने का दावा झूठ है तो मैं कहूँगा कि यदि इस झूठ ने मुझे जीवन का वह मुख्य आधार अथवा तत्व दिया है जिसके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता हूँ तो मुझे सत्यानवेशी को यह झूठ ही मोहक लगता है